गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने बार डायग्राम्स की डिफरेंट टाइप्स जो थी वो देखी थी, जिसमें हमने लाइन डायग्राम भी देखा था, सिंपल बार डायग्राम भी देखा था, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ये सब जो डिफरेंट काइंड के जो बार डायग्राम्स थे वो सब हमने समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अगला जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मेथड है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। ये एक प्रकार का बार चार्ट ही है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है उससे कि यहाँ क्या होता है कि वहाँ हम वन डायमेंशनल डायग्राम की बात कर रहे थे कि केवल ऊंचाई ही इम्पॉर्टेंट थी, बार की चौड़ाई जो है वो केवल और केवल सुंदरता के लिए थी, अट्रैक्टिव बनाने के लिए थी, चौड़ाई की कोई वैल्यू, इम्पोर्टेंस वाली वैल्यू कोई फिक्स नहीं थी। इधर क्या है कि जो चौड़ाई है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं एस एक्सिस पे, तो उसकी चौड़ाई भी एक फ़िक्स चौड़ाई जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉलम्स बनाए जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हाइट ऑफ कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड दिखाती है। और हिस्टोग्राम, जैसा मैंने कहा आपको कि बार डायग्राम दिखाई जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इंटर बार स्पेस जो वहाँ पे जो दो बार्स के बीच का जो स्पेस था, खाली जगह थी, वो यहाँ नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, एक क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं एंड देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल बार का एक सेट है, द एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड, जिसका जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। जो वेरिएबल्स होते हैं या जो क्लास इंटरवल होते हैं, तो वेरिएबल्स ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है दे आर टेकन ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर जो है हम वेरिएबल्स को लेते हैं। क्लास इंटरवल्स जो है जिनकी विड्थ सिमिलर होती है, इक्वल विड्थ वाले क्लास इंटरवल्स लेते हैं और उनको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उनको एक प्रोपोर्शन में, एरिया और हाइट के प्रोपोर्शन में ऊपर की तरफ जो है वाई एक्सिस पे हम इसको रखते हैं। इसके लिए हम एक स्केल ले लेते हैं और उस स्केल के अकॉर्डिंग, उस पैमाने के, सुटेबल पैमाने के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो ये है कि ये टू डायमेंशनल है, यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों इम्पॉर्टेंट है, जबकि जो बार डायग्राम था सिंपल, वहाँ पर जो है वो केवल और केवल इसकी चौड़ाई जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, केवल और केवल इसकी ऊंचाई ही इम्पॉर्टेंट थी। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए आप किस तरह से हम जो हिस्टोग्राम को बनाते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि ये क्लासेस है और क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज उसके साथ दी गई है, 0 से 10 जो है वहाँ 7 फ्रिक्वेंसी है, 10 से 20 11 फ्रिक्वेंसी है, सो ऑन, इस तरह से अलग अलग फ्रिक्वेंसीज वहाँ पे दी गई है। तो हमने नीचे की तरफ क्लास इंटरवल बनाया, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी 0 है, और हमने 1 सेंटीमीटर पर 10 रखा, तो 0 to 10 क्लास इंटरवल हमारा यहाँ पे हो गया। देन 10 to 20 वही हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने 20 रखा हुआ है, फिर 1 सेंटीमीटर पे 30, तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो है वो 10 को काउंट करते हुए हम 70 to 80 तक पहुँचे हैं, और इधर हमने कॉरस्पॉन्डिंग 1 सेंटीमीटर में 5 फ्रिक्वेंसी को मानते हुए माना है। यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको जब आप इसको करें सॉल्व, तो साइड में एक स्केल बनाना है जहां आपको दिखाना है ऑन द वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसीज हैव रिटन, और उनका जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर में 5 फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, और सिमिलरली क्लास इंटरवल्स जो है वो एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं, और वहां जो क्लास इंटरवल है वो 1 सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो है स्केल भी बनाना है। फिर हमने देखते हुए जो भी वैल्यू है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बना दिया है। 0 से 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 7 पे मार्क लगाया और वहाँ पे खींच दिया हिस्टोग्राम, दैन 10 से 20 में हमने 11 पे, फिर उसके बाद 20 से 30 में 17 पे, एंड सो ऑन, इस तरह से हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये जो है ये कहलाते हैं हिस्टोग्राम्स, और आप डिफरेंस देख रहे हैं कि बार डायग्राम में इनके बीच बीच में स्पेस था, वो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम में वो स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो एरिया है ब्लॉक्स का, ये हर एक क्लास की हिस्टोग्राम में आसानी से फ्रिक्वेंसी को शो करता है, और स्प्रेडिंग जो है ऑब्जर्वेशन की, वो रैंडमली या जो भी है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है या रैंडमली स्प्रेड है, ये आसानी से आप जो है इसमें शो कर सकते हैं, और ये जो है सिमेट्री जो है डाटा की, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें
देता है। तो इस प्रकार से ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात और रह जाती है कि मान लीजिए क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में डिफरेंट दे रखा है, जैसे पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10, देन 20 to 20, और उसके बाद मान लीजिए आपको 20 से 40 क्लास इंटरवल दे रखा है, तो डबल हो गया। हम तो 1 सेंटीमीटर में 10 ही मान रहे हैं, या डबल हो गया 20 to 40, बीच में 30 आना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं आया। तो ऐसे हिस्टोग्राम को बनाते समय हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम आधी कर देते हैं। जैसे 20 to 40 में मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 30 फ्रीक्वेंसी है, तो हम चौड़ा हिस्टोग्राम बनाएंगे, बड़ा हिस्टोग्राम बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे 30 को बीच में मानते हुए, 20 से 40 का 2 सेंटीमीटर की वैल्यू का चौड़ा हिस्टोग्राम बनाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको 30 की जगह हम डिवाइडेड बाय 2 करके, क्योंकि डबल है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करके, और फ्रीक्वेंसी इसको 30 की आधी हो गई 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 पे ही हम इसको फ्रीक्वेंसीज को शो करेंगे। तो होता क्या है कि उससे एरिया जो है वो हमारा वो मेंटेन रह जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्लास इंटरवल डबल दे रखा है तो आप फ्रीक्वेंसीज को आधी कर दीजिए, और जो ब्लॉक आपका बनेगा, जो हिस्टोग्राम आपका जो बनेगा, जो कॉलम आपका बनेगा, उसको आप डबल चौड़ा जो है वो कर दीजिए। तो इस तरह से हम इसमें जो है इसको कहना चाहिए कि एडजस्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ पे, इसको इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी को जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ करते हुए उस हिसाब से हम इसमें आगे हिस्टोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक प्रकार का कर्व है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसको बनाने के लिए हम मिड वैल्यूज़ लेते हैं हर एक क्लास की, सबसे पहले मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं, और फिर ग्राफ पेपर पे हर एक मिड वैल्यू को हम प्लॉट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, और फिर उस क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे लगा देते हैं, एंड देन जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ देते हैं, और स्ट्रेट लाइन को दोनों ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे नीचे तक भी ले आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जॉइंट टू द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एंड द लास्ट पॉइंट इज जॉइंट टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो इस तरह से जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास वही क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जिसको भी हमने देखा था उसी हिसाब से, और मैंने इनके मिड वैल्यूज निकाल लिए। 0 से 10 की मिड वैल्यू हो गई है 5, 5 पर मैंने डॉट लगाया है, 5 का मैंने वो 10 में मैंने 1 सेंटीमीटर ही रखा है, और मिड वैल्यू में मैंने बीच में जो है, आप चाहें तो इसको हिस्टोग्राम पे भी बना सकते हैं, पहले आप हिस्टोग्राम बना लीजिए जैसे हमने पहले बनाया था, और फिर उनके मिड पॉइंट्स जो है वो आपस में मिला दीजिए, और देन उनके जो फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उसको आप 0 से अटैच कर दीजिए, तो भी ये बन जाएगा। और आप चाहें तो हिस्टोग्राम ना बनाएं, तो पहले आप सबके मिड वैल्यूज़ लीजिए, और जैसे आपको दिखाई दे रहा है 0 से 10 की क्लास की मिड वैल्यू है 5, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रखी 7, फिर 10 से 20 की है 15, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने 11 पे डॉट लगा लिया, फिर 20 से 30 में 25, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने 17 पे डॉट लगा लिया, फिर 30 से 40 की 35, तो हमने 25 पे डॉट लगा लिया, और इस तरह से ये सारे डॉट्स हमने आपस में स्केल के द्वारा जोड़ दिए। जो मिड वैल्यू पे हमने जो डॉट्स लगाए उनको हमने आपस में जो है एक स्केल से जोड़ दिया स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, और फिर दोनों साइड्स को हमने नीचे एक्स एक्सिस से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्ट हम करते हैं ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट चीज़ है फ्रीक्वेंसी कर्व। ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा ही है फ्रीक्वेंसी कर्व भी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व है। यहाँ पे पॉइंट्स जो है फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पे वो हम फ्री हैंड लगाते हैं, इसीलिए इसको स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को वही बिगिन और एंडिंग जो है बेसलाइन एक्स एक्सिस से करते हैं। फ्री हैंड से मेरा मतलब है कि वहाँ पर हम मिड पॉइंट्स मिला रहे थे, या हम मिड पॉइंट्स नहीं मिलाते बल्कि किसी भी पॉइंट पे उस लाइन के किसी भी पॉइंट, जैसे मैं जो 7 की वैल्यू दिखानी है तो पूरे हिस्टोग्राम की चौड़ाई पे 7वें मिड पॉइंट की जगह मैं कहीं पर भी डॉट लगा सकती हूँ और उनको आपस में मिला सकती हूँ। तो इस प्रकार से जब हम बनाते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। यहाँ देखिए, अब आप दिखाई दे रहा है आपको मिड पॉइंट नहीं बनाए हैं, 5 के पैरेलल मैंने जो है 5 की जगह 6-7 पे लगा दिया है, मतलब मेरा जो 0 से 10 की क्लास बनती है, अगेन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इसमें भी हम हिस्टोग्राम्स बना के बना सकते हैं। पहले आप हिस्टोग्राम बनाइए, और जो हिस्टोग्राम बनाएंगे उस हिस्टोग्राम से आप है ना मिड पॉइंट नहीं मिला के, बल्कि उसकी जो ऊपर की लाइन है उसमें आप कहीं पे भी पॉइंट लगा दीजिए, और फिर उनको स्मूथली आपस में एक दूसरे से जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर बेस लाइन से जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जब आप बनाते हैं
तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। और अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बना रहे हैं तो आप 7 की वैल्यू दिखाने के लिए 5 के ऊपर ना लगा के बल्कि 6-7 पे या 2-3 पे लगा सकते हैं। सिमिलरली 0 से 10 के बीच में कहीं पे भी लगा सकते हैं, फिर 10 से 20 के बीच में कहीं पे भी आप 11 की वैल्यू लगा सकते हैं, फिर आप 20 से 30 के बीच में कहीं पे भी 17 की वैल्यू लगा सकते हैं। इस तरह वैल्यूज़ को लगाकर और पॉइंट्स को लगाकर और उनको आपस में जोड़कर जो है वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है, इस प्रकार का जो कर्व बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा और हिस्टोग्राम पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने आता है वो है पाई चार्ट, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है ये एक सर्कल ग्राफ या एरिया डायग्राम है, सर्कुलर इसको हम बनाते हैं। और ये सेक्टर्स बनाने में, किसी सर्कल के सेक्टर्स बनाते हैं हम, इसमें डाटा की डिफरेंट कैटेगरीज को दिखाने के लिए हम किसी सर्कल में छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स या छोटे छोटे सेक्शंस में हम इसको बाद मार देते हैं। तो सर्कल का टोटल एरिया 3600 होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है कंपोनेंट सेक्टर्स में। जो भी हमें डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बांटते हैं। हर एक सेक्टर की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, डाटा की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल जो है वो इस सेक्टर की लेंथ मानी गई है। और जो लेंथ जो है वो सेंट्रल एंगल और जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं ये पाई चार्ट? तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं हर एक सेक्टर का, हर एक क्लास का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू रखते हैं, वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, इंटू 360 कर देते हैं। 360 से हम उसका एंगल जो हमें पता लग जाता है। और फिर किसी भी रेडियस का प्रेजेंटेबल बनाने लायक रेडियस का सर्कल हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इस सर्कल को बनाने के बाद हम उसमें जो है ये एंगल की वैल्यू, एक्यूरेट एंगल वैल्यू जो है वो रखते चलते हैं उसमें सर्कुलर डायग्राम में। और इस तरह से हम जो है सेक्टर्स अलग अलग बांट लेते हैं और हर एक सेक्टर को हम अलग अलग तरह की लेबलिंग या अलग अलग तरह की शेडिंग कर देते हैं, ताकि कि हम डिफरेंट क्लासेस जो है उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। तो क्या करना है आपको पाई चार्ट बनाने के लिए कि एक सर्कल बनाना है और सर्कल में हम जो है इस फॉर्मूला की हेल्प से दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू इनटू 360 और जो भी एंगल की वैल्यू आती जाती है वो उसमें बना के और फिर इन सबको अलग अलग शेडिंग या कलरिंग कर देनी है। यहाँ देखिए आप डायग्राम में, यहाँ आपको जो है एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द कंस्ट्रक्ट पाई डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग पाई चार्ट, ऑल्सो कॉल्ड पाई डायग्राम को पाई चार्ट भी कहते हैं। इस डाटा को यूज़ करते हुए एक पाई चार्ट बनाइए। तो हमने क्या किया है, एंगल निकाल लिया है। किस तरह से निकाला है, 8 बाई 50, जैसे पहली वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 50 है। तो 8 बाई 50 इंटू 360, तो मेरे पास जो एंगल आया वो आया 57.6। और फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट एंगल मैंने निकाल लिया, 90 बाई 50 इंटू 360, एंगल आया 136.8। सिमिलरली 14 के लिए आया 100.8, 6 के लिए आया 43.2, 1 के लिए आया 7.2 एंड 2 के लिए आया 14.4 और इनका टोटल हो गया 360, जो कि हमारा एक सर्कल का पूरा टोटल एंगल होता है। अब मैंने अलग अलग एंगल्स को कोई भी एक बेस लाइन रखते हुए जहाँ से हमने शुरू किया था 57.6, उसको हमने इस बेस को यूज़ करते हुए ब्लू कलर में बना दिया, देन ऑरेंज कलर में हमने 14.4 वैल्यू को बना दिया और अलग अलग वैल्यूज़ को हमने लाइट ब्लू कलर, वॉलेट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, इस तरह से हमने अलग अलग वैल्यूज़ जो कि हमने सामने स्केल में लिख भी दी है कि ये वाली क्लास जो है इस कलर से डिनोट की गई है। और इस तरह से हमने ये पाई डायग्राम जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया, पाई चार्ट जो है वो बना लिया। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने इसमें कैलकुलेशन की नहीं है, आपको साइड में पेपर में जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक एंगल को, वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 360 और फिर वो जो भी वैल्यू निकली है टेबल में दे रखी है पर उसकी कैलकुलेशन आप साइड में दिखा दीजिए और अकॉर्डिंगली आप पाई चार्ट या पाई डायग्राम बना दीजिए। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स जो है वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और पाई चार्ट। सिर्फ एक और मेथड बचता है, वो कहलाता है ओजाइव्स। उसके बारे में हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ओजाइव, जो कि मोर देन और लेस देन की फॉर्म में बनाया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आप यहीं तक भी कर लीजिए।